हेलो फ्रेंड्स दिस इज डॉक्टर ममता राठी आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज एजुकेशनल टेक्स फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी जनरली हम पीजी जब सीखते हैं तो पीजी में रिसर्च मेथडोलॉजी का सब्जेक्ट हमें देखने मिलता है या फिर जब भी हम रिसर्च करते हैं तो ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत यूजफुल साबित होता है तो आज की जो एम टाइप ऑफ क्वेश्चन की सीरीज़ हैं वो रहेगी रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इस सीरीज़ में मैं टू प्लस क्वेश्चन लेकर आई हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी के तो हमारी जो वेरी फर्स्ट सीरीज है रिसर्च मेथोडोलॉजी की ये एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन की उसे हम शुरू करते हैं लेट इस बिगिन विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड मेथड इन सोशल रिसर्च मेथड इन सोशल रिसर्च नाम की बुक के ऑथर कौन है केरलिंगर सी आर कोठारी गुडी एंड हैल्ट विकिनसन तो मेथड्स इन सोशल रिसर्च के जो ऑथर हैं वो है गुड़ी एंड हैट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ये बुक जो है वो ऑथर्ड uh, की थी गुड़ी एंड हेट ने और uh, उन्होंने लिखी थी और फर्स्ट दिसंबर 1952 ज, जब स्पेशली uh, एम था स्टूडेंट की नॉलेज एज वेल एज रिस्पॉन्स स्किल को इम्प्रूव करना तो इसलिए ये बुक लिखी गई थी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर वॉट इज़ द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ को रिलेशन एनालिसिस को रिलेशन एनालिसिस के मेजर एट्रीब्यूट क्या है असोसिएशन अमंग वेरिएबल्स डिफरेंस अमंग वेरिएबल्स रिग्रेशन अमंग वेरिएबल्स वेरिएशन अमंग वेरिएबल्स को रिश रिलेशन एनालिसिस के जो मेजर एट्रीब्यूट हैं वो है असोसिएट करना उनकी वेरिएबल्स में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मेनली कोरिलेशन एनालिसिस जो है वो फोकस करता है हमारी um, जो कुछ भी क्वांटिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच एसोसिएशन को लेना वन और मोर क्वांटिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में और जो वन और मोर क्वांटिटेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें भी सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वॉट इज़ द नेम ऑफ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट कंसेप्शुअल फ्रेमवर्क का नाम क्या है जहाँ पर रिसर्च कैरी कर दिया जाता है रिसर्च हाइपोथेसिस सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च रिसर्च पैराडिगम रिसर्च डिजाइन रिसर्च डिजाइन जो है उसे ही वह यही एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है यही एक नाम होता है जहाँ पर हम रिसर्च कैरी आउट करते हैं कंसेप्शुअल फ्रेमवर्क जो है वो अंडरस्टूड होता है हमारी रिसर्च डिज़ाइन से और वो हमें रिक्वायर्ड होता है बिफोर रिसर्च ऑप्शन डी रिसर्च डिजाइन इज़ द करेक्ट आंसर वॉट इज़ द मेन रोल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन एजुकेशन में रिसर्च का मेन रोल क्या है टू अपसर्ज वंस सोशल स्टेटस टू इंक्रीज वंस जॉब प्रोस्पेक्ट्स टू ऑगमेंट वंस पर्सनल ग्रोथ टू हेल्प एन एप्लीकेंट इन बिकमिंग अ रिनोन्ड तो हमारे जो कुछ भी एप्लीकेंट होते हैं उनको एक रिनोड एजुकेशनलिस्ट बनने के लिए हमारा जो एजुकेशन में रिसर्च है वो हेल्पफुल होता है या फिर उसका मेन रोल होता है ऑप्शन डी एजुकेशनल रिसर्च जो है वो डिफाइन करता है एक एश्योरेंस को जहाँ पर हम रिव्यू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं हमारी एजुकेशनल प्रैक्टिस को जो कि रिजल्ट करती है एक रिनोड एजुकेशनलिस्ट बनने में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कंसिडर्ड एज क्रिटिकल इन क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च में इनमें से कौन से फीचर्स हैं जो क्रिटिकल हैं या फिर कंसिडर किए जाते हैं क्रिटिकल

क्वालिटेटिव रिसर्च में हम एक इंडक्टिव मेथडोलॉजी को यूज करते हैं जो कि स्टार्ट होती है पर्टिकुलर टू जनरल तक अदर वर्ड्स में अगर कहा जाए तो हमारी जो स्टडी होती है सोसाइटी की वो फ्रॉम सोसाइटी फ्रॉम द बॉटम देन हमको मूव करना पड़ता है अपवर्ड और हमें थेरीज बनानी पड़ती है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हाउ इज रैंडम सैंपलिंग हेल्पफुल रैंडम सैंपलिंग किस तरह से हेल्पफुल होती है एक्यूरेट होती है इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन फ्री फ्रॉम पर्सनल ऑल ऑफ दी दबाउ तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबाउ रैंडम सैम्पलिंग जो है उसमें ईच एलिमेंट ऑफ स्टेट को देखा जाता है जो कि एग्जिस्ट होती है पॉसिबिलिटी जो कि सेलेक्शन में आती है सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबाउ इज द करेक्ट आंसर अ रिसर्च इंटेंट टू एक्सप्लोर The result of possible factors for the organization of effective midday meal intervention. Which research method will be most appropriate for this study? Descriptive survey method, historical method, ex post facto method. एक्सपेरिमेंटल मेथड अब ये जो थिंग यहाँ पर बताई गई है इसके लिए एक्सपोस्टो फैक्टो मेथड जो है वो हमें यूजफुल है ऑप्शन सी एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड इज़ द करेक्ट आंसर मेनली एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड जो है वो एक्जिस्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं हमारे पास क्वालिटीज़ के बेसिस पर जो हमने कंपेयर किए होते हैं या फिर जो समिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसके लिए यूज की जाती है इसी को ही क्वासी एक्सपेरिमेंटल भी कहा जाता है फॉर द फैक्ट जो कि रैंडमली असाइन की गई होती है हमारे सब्जेक्ट्स पर और यहाँ पर वो जो चीज़ें हैं उन्हें ग्रुप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पर्टिकुलर ट्रेड के हिसाब से ऑप्शन सी एक्सपोज्ड फैक्टो मेथड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट टिपिट टेबल रेफर्स टू एज टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स टेबल यूज इन सैम्पलिंग मेथड्स टेबल यूज इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑल ऑफ द अबाउ

अ रिसर्च हाइपोथेसिस तो सबसे पहले अगर हमारे सामने किसी रिसर्च क्वेश्चन है तो फिर हम रिसर्च को परस्यू कर सकते हैं क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च ये एक नेसेसरी बन जाता है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो या फिर कोई टॉपिक हो क्योंकि एक बार अगर हम हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो हम रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं सो ऑप्शन बी फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट The format of thesis writing is the same as in writing of seminar representation preparation of research paper or article a research dissertation presenting a workshop or conference paper थेसिस राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है रिसर्च डेजर्टेशन की तरह फॉर्मेट जो होता है थेसिस का उसमें हमारी जो राइटिंग होती है वो सिमिलर होती है डेजर्टेशन की तरह और हम जो सिंपल से कह सकते हैं कि डेजर्टेशन ही अनदर वर्ड होता है थेसिस के लिए ऑप्शन सी रिसर्च डेजर्टेशन इज द करेक्ट आंसर विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंस्टेट कंटेक्सट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च पार्टिसिपेटरी रिसर्च के कंटेक्सट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है इट रिकोगग्नाइजेस नॉलेज एज पॉवर इट इज अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ एंक्वायरी इट एम्फोसाइजेस पीपल एज एक्सपर्ट्स इट्स सोल पर्पज इज द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज इनमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है इट्स सोल पर्पज इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज क्योंकि पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च जो है वो एक काइंड ऑफ रिसर्च हो चाहे होता है जिसमें हम हमारी पार्टिसिपेशन एंड एक्शन पर स्ट्रेस करते हैं सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्सट ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइफोथेसिस हाइफोथेसिस टेस्ट करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इट इज ओनली द अल्टरनेटिव हाइफोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड इट इज ओनली द नल हाइफोथेसिस दैट कैन भी टेस्टेड बोथ द अल्टरनेटिव एंड नल हाइफोथेसिस कैन भी टेस्टेड बोथ द अल्टरनेटिव एंड नल हाइफोथेसिस कैन नॉट भी टेस्टेड तो ओनली नल हाइफोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे टेस्टिंग ऑफ हाइफोथेसिस में हाइफोथेसिस टेस्टिंग इवेल्युएट करता है उसकी पॉसिबिलिटी बाई यूजिंग सैंपल डेटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वॉट आर द कंडीशंस इन विच टाइप वन एरर ऑकर्स टाइप वन एरर किस कंडीशन में ऑकर होता है द नल हाइफोथेसिस दैट गेट एक्सेप्टेड इवन इफ इट इज फॉल्स द नल हाइफोथिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू बोथ द नल हाइफोथेसिस एज वेल एज अल्टरनेटिव हाइफोथेसिस आर रिजेक्टेड नन ऑफ द अबाउ टाइप वन एरर ऑकर होता है जब भी, भी हम नल हाइफोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं जब वो सही हो इसे कहते हैं टाइप वन एरर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिकम द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ़ द कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर ट्रू विथ रिगार्ड्स टू दिस स्टेटमेंट हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होते हैं वो हमारी डेवलपमेंट कंट्री की डेवलपमेंट का इंडेक्स बन जाते हैं तो इनमें से कौन से रीजन्स हैं जो कि करेक्ट हैं विथ रिगार्ड टू दिस स्टेटमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टारगेट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन एनहांस पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस बीइंग प्रिवेल्ड इन द कंट्री ऑल ऑफ द अबव तो ये सारी चीज़ें होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट से सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वॉट डज द लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच एक्चुअली डील्स विद लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच जो होता है वो किस चीज़ से डील करता है लॉन्ग टर्म रिसर्च शॉर्ट टर्म रिसर्च हॉरिजोंटल रिसर्च नन ऑफ द अबाउ तो ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म रिसर्च इज द करेक्ट आंसर इन जनरल लॉन्जिट्यूडनल अप्रोच जो होता है वो लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए रिसर्चर यूज करते हैं या फिर एग्जामिन करते हैं सिमिलरली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं अगर कोई चेंजेस होते हैं ओवर या ओकर करते हैं ओवर अ वाइल सो ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म रिसर्च इज द करेक्ट आंसर वट डो यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म अनुसंधान अनुसंधान का क्या मतलब है गोल ओरिएंटेड फॉलोइंग एन एम फॉलोइंग अटेनिंग एन एम प्रेइंग टू अचीव एन एम तो अनुसंधान का मतलब होता है किसी एम को फॉलो करना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इवेल्युएशन रिसर्च इज कंसर्न विथ हाउ वेल आर वी गोइंग वाई आर वी गोइंग वॉट आर वी डूइंग और नन ऑफ दी अबाउट इवेल्यूएशन रिसर्च किस लिए हम करते हैं तो इवेल्युएशन रिसर्च में हम देखते हैं कि हाउ वेल वी आर डूइंग हम किस तरह से uh, कर, कर रहे हैं और किस तरह से कंप्लीट हो रहा है तो हमारी प्रोसेस पर फोकस करने की बजाय अगर हम इवैल्यूएशन रिसर्च को मेजर करते हैं हमारी कॉन्सिक्वेंसेस के साथ हमारी प्रोसेस के साथ फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव आर मेड और नॉट मेड लेकिन हम किस तरह से हमारा काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करस्पॉन्ड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इनमें से कौन सा रिसर्च uh, का कैरेक्टरिस्टिक को रिस्पॉन्ड नहीं करता है रिसर्च इज नॉट पैसिव रिसर्च इज सिस्टमैटिक रिसर्च इज नॉट अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस तो ऑप्शन डी जो है रिसर्च इज़ नॉट अ प्रोसेस इज़ द करेक्ट आंसर रिसर्च जो है वो इंस्पायर्ड होता है और सिस्टमेटिक वर्क होता है जो कि रिसर्च अंडरटेक करते हैं और उनकी जो एक्सपर्टीज होती है उनको इंटेंसिफाई करने की कोशिश करते हैं सो ऑप्शन डी रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी में इनमें से कौन सा मेन टास्क होता है हमारी रिसर्च का टू लर्न न्यू थिंग्स टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज टू सिस्टमैटिकली एग्जाम एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन और सोर्सेज विद द विद्जेक्टिव ऑल ऑफ दबाउ ये सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबाउ इज द करेक्ट आंसर रिसर्च जो है वो इंस्पायर्ड होता है और एक सिस्टमेटिक वर्क होता है जो कि रिसर्चर अंडरटेक करता है उसकी इंटेंसिफाई को एक्सपर्टाइज uh, को इंटेंसिफाई करने के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर वॉट इज द मेन एम ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च का मेन एम क्या है टू ओवर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च टू ब्रिंकआउट द होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च टू क्रिएट अ न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी टू रिड्यूस द इंफोसिस ऑन सिंगल सब्जेक्ट इन द रिसर्च डोमेन तो हमारा जो मेन इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च का एम है वो है टू ब्रिंकआउट द होलिस्टिक अप्रोच टू द रिसर्च पर्टिकुलरली इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च जो है वो कम्बाइन करता है टू और मोर हाइफोथेटिकल डिसिप्लिन को इन टू वन एक्टिविटी सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मेथड इन द रिसर्च फील्ड इज टू डैश इम्प्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन कन्फर्म ट्राइंगुलेशन इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स एलिमिनेट स्प्यूरियस रिलेशंस जो मेन एम होता है हमारी साइंटिफिक मेथड का रिसर्च की फील्ड में वो होता है इलिमिनेट स्प्यूरियस रिलेशन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर साइंटिफिक रिसर्च जो है वो एम करता है नॉलेज बिल्डिंग पर और उसके लिए वो एक हाइफोथाइस हाइफोथीसाइजिंग करता है उसकी न्यू थेरीज को और डिस्कवर करता है न्यू लॉज को ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया सो वॉट टूल शुड बी प्रिफर फॉर द स्टडी एक रिसर्च जो कि इंटरेस्टेड है स्टडी करने के लिए पॉलिटिकल एरिया या अर्बन एरिया में चल रहे प्रोस्पेक्ट्स जो कि पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो इसके लिए कौन सा टूल जो है वो टूल प्रिफर करेंगे हम स्टडी के लिए रेटिंग स्केल इंटरव्यू क्वेश्चन ईयर शेड्यूल तो अर्बन एरिया में अगर हमें स्टडी करना है तो हमें क्वेश्चन ईयर की हेल्प लेनी पड़ेगी ऑप्शन थ्री इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सिंस अर्बन एरिया है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ लिटरेसी की ग्रेटर नंबर ऑफ़ पीपल में uh, हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी और अगेन वहाँ पर न्यूमरस क्वेश्चंस अगर हम एक रूलिंग पीरियड में पॉलिटिकल पार्टी के जो कि सिंपली आंसर किए जाते हैं रेटिंग के साथ वो हम दे सकते हैं साथ ही साथ रेटिंग जो है वो कंसिडर की जाएगी इफ़ एनी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने वहाँ पर कुछ काम किया हो इसीलिए क्वेश्चन आयर हम यूज कर सकते हैं ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर

जनरलाइज हिस्टोरिकल रिसर्च इन द यू एस एज़ बिन नहीं कर सकता जो कि कर रहा है इंडिया में तो ऑप्शन बी हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ द करेक्ट आंसर हाउ टू जज द डेफ ऑफ़ एनी रिसर्च किसी भी रिसर्च की डेफ्थ को किस तरह से जज किया जाता है बाय रिसर्च टाइटल बाय रिसर्च ड्यूरेशन बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव या फिर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च तो हमारी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को जब हम देखेंगे तो हमें हमारी रिसर्च को जजमेंट करना आ जाता है क्योंकि रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो कंसाइसली डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि क्या कर रहे हैं हम या फिर क्या हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू हमारी रिसर्च ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हु कैन सक्सेसफुली कंडक्ट रिसर्च किसी भी रिसर्च को कौन सक्सेसफुल कंप्लीट कर सकता है सम वन हु इज़ अ हार्ड वर्कर पजेसेस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हैज़ स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी पजेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी जिसने रिसर्च मेथोडोलॉजी को स्टडी कर लिया है वो सही मायने में रिसर्च को सक्सेसफुल कंडक्ट कर सकता है सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च इनमें से कौन सी रिसर्च की मेथड नहीं है सर्वे हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशनल फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो रिसर्च की मेथड नहीं है मेनली रिसर्च के मेथड जो कंपराइज करते हैं वो स्ट्रैटेजीज को लेकर प्रोसेसिस को लेकर या फिर टेक्निक्स को लेकर होते हैं जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं हमारे डेटा कलेक्शन के लिए या फिर एविडेंस किसके लिए सो so, किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को रिवील करना या फिर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना एक टॉपिक के लिए ये हमारा काम होता है रिसर्च का सो so ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी रिसर्च की मेथड में नहीं आता ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अ रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन इट हैज यूटिलिटी एंड रेलिवेंस इट इज़ न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज इट इज रिसर्चेबल ऑल ऑफ दी अबाउट हमारा रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो फिजिकल होता है इन सारी केसेस में रिसर्च प्रॉब्लम हम डिफाइन कर सकते हैं एक स्टेटमेंट के हिसाब से जिसमें कि हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं कंडीशन देखते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है इम्प्रूवड और डिफ़िकल्ट जो कि इराडिकेट की जाती है और एनी डिस्वाइटिंग uh, क्वेश्चंस जो कि एग्जिस्ट होते हैं हमारी स्कॉलरिंग लिटरेचर uh, में और थेरी में और इन प्रैक्टिस में जो कि हमारी पॉइंट को सॉल्व कर देते हैं सो so, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें आती हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सर्कल ग्राफ्स आर यूज टू शो हाउ इज वन पार्ट रिलेटेड टू अदर पार्ट्स हाउ वेरियस सेक्शंस शेयर इन द होल हाउ इज वन होल रिलेटेड टू अनदर होल हाउ आर वेरियस पार्ट्स रिलेटेड टू होल सर्कल ग्राफ जो है उसमें हम वेरियस पार्ट्स जो है जो कैसे रिलेट करते हैं होल पार्ट को इसके बारे में हम बात करते हैं तो सर्कल ग्राफ जो है वो हेल्पफुल होते हैं विजुअलाइजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए एज वेल एज डेटा के लिए सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑथेंटिसिटी ऑफ ए रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी ओरिजिनलिटी ऑल ऑफ द अबाउ रिसर्च फाइंडिंग की जो ऑथेंटिसिटी होती है वो होती है उसकी ऑब्जेक्टिविटी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इनमें से कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम से जाना जाता है कोटा सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो है कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सभी मेम्बर्स जो कि जिन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उन्हें हम पार्टिसिपेट करते हैं हमारी स्टडी में ऑप्शन ए इज द करेक्ट एंसर वॉट डज़ अ गुड थेसिस इन्वॉल्व रिड्यूसिंग पंक्चुएशंस एज वेल एज ग्रामेटिकल एरर्स टू मिनिमाइलिस्ट करेक्ट रेफरेंस साइटेशन कंसिस्टेंसी इन द वे ऑफ थेसिस राइटिंग वेल डिफाइंड एबस्ट्रैक्ट अब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इन्हें हमें इन्हें देखना है और करेक्ट आंसर को चूज करना है हमारा गुड थेसिस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो हमारे गुड थेसिस में जैसे कि हम देखते हैं उसमें हम रिड्यूस करते हैं पंक्चुएशंस एज वेल एज ग्रामेटिकल एरर्स को ताकि उसको हम मिनिमाइज कर सकें साथ ही साथ करेक्ट रेफरेंस और सिचुएशंस को साइटेशंस uh, को भी ला सकते हैं हम कंसिस्टेंसी भी ला सकते हैं हमारी थेसिस राइटिंग में और वेल डिफाइंड एब्सट्रैक्ट भी होना चाहिए ऑल ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन बी जिसमें सारे uh, आए हुए हैं ऑप्शंस वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट टू द रिसर्च रिसर्च रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज अंडरटेकन To find out the solution to a problem, it is a systematic, logical, and unbiased process wherein verification of hypothesis data analysis, interpretation, and formation of principles can be done. It is an intellectual inquiry or quest towards truth. It enhances knowledge. तो ये चारों भी चीजें जो हैं वो हमारी रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट हैं। चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो ऑप्शन ए, एबीसी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट On what basis did Jean Piaget give his theory of cognitive development of humans? Jean Piaget ने उनकी जो cognitive development of humans की theory है, उसको किस basis पर दिया था? Evaluation research, fundamental research, applied research, action research. तो वो theory जो दी गई थी, वो fundamental research पे दी गई थी. Jean Piaget जो हैं, उन्होंने उनकी cognitive development theory में propose किया था idea, जिसमें चिल्ड्रन जो कि एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज सिंपली बाई एक्सप्लोरिंग यानी कि वो एक्सप्लोर और मैनिपुलेट कर देते हैं वर्ल्ड को अराउंड दे उनके आसपास के जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं तो इस बेसिस पर फंडामेंटल रिसर्च पर ये थेरी है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वॉट आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ अ डिजर्टेशन डिजर्टेशन की कोर एलिमेंट्स क्या है इंट्रोडक्शन डेटा कलेक्शन डेटा एनालिसिस कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशनस एग्जीक्यूटिव समरी लिटरेचर रिव्यू डेटा गैदर्ड कंक्लूजन्स बिब्लियोग्राफी रिसर्च प्लान रिसर्च डेटा एनालिसिस रेफरेंसेस इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी रिजल्ट डिस्कशन एंड कंक्लूजन्स तो ऑप्शन डी जो है इसमें हमारे डिजल्टेशन के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी रिजल्ट डिस्कशन एंड Conclusions. तो ये सारे जो हैं वो core elements है वो कोर एलिमेंट्स हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सैंपलिंग केसेस कैन बी डिफाइंड एज सैंपलिंग यूजिंग अ सैंपलिंग फ्रेम आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च लिटरली रिसर्चर्स ब्रीफ केस अग ऑफ पीपल न्यूज पेपर्स टेलीविजन प्रोग्राम्स एट्सेट्रा सैम्पलिंग केसेस जो होते हैं वो सैम्पलिंग ऑफ पीपल न्यूज़पेपर टेलीविजन प्रोग्राम एट्सिट्रा के साथ होते हैं ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर इन जनरल सैम्पलिंग इन केस में स्टडी जो होती है वो उस रिसर्च में इन्वॉल्व होता है डिसीजंस मेक करना यानी कि रिसर्चर को डिसीजंस लेने पड़ते हैं रिगार्डिंग स्ट्रेटेजीज़ किस स्ट्रेटेजीज़ ऑफ़ सैम्पलिंग को वो यूज़ कर रहा है नंबर ऑफ़ केस स्टडीज़ वो देख रहा है और डिफाइन भी करना पड़ता है यूनिट ऑफ एनालिसिस को सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर विश टेक्निक इज़ जनरली फॉलोड वेन द पॉपुलेशन इज फिनाइट जब पॉपुलेशन बहुत सारी हो जब फिनाइट हो लिमिटेड हो तो उस टाइम पर कौन सी टेक्निक जो है वो टेक्निक यूज की जाती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक पजिव सैम्पलिंग टेक्निक एरिया सैम्पलिंग टेक्निक नन ऑफ नबाउ तो जब भी, भी हमारी पॉपुलेशन फिनाइट होती है उस समय पर हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वो अंडरस्टूड की जाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में जिसमें मेम्बर्स जो होते हैं पॉपुलेशन के वो सेलेक्ट किए जाते हैं रिसर्चर के थ्रू एट अ रेगुलर इंटरवल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सोशल रिलीवेंस फिनेंशियल सपोर्ट रिसर्चर्स इंटरेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रिलीवेंट लिटरेचर रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए सोशल रिलिवेंस की स्टैंड पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर द यफ टेस्ट इज वॉट इज इसेंशियल अ टू टेल्ड टेस्ट इज इसशियली अ वन टेल्ड टेस्ट कैन बी वन टेल्ड एज वेल एज टू टेल्ड डिपेंडिंग ऑन द हाइफोथेसिस कैन नेवर बी वन टेल्ड टेस्ट यफ टेस्ट जो है वो कैन बी वन टेल्ड हो सकती है या फिर टू टेल्ड हो सकती है हमारी हाइपोथेसिस पर डिपेंड करता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यफ टेस्ट जो है वो करस्पॉन्ड करती है एक स्टेटिस्टिकल स्टेज टेस्ट जिसमें हम टेस्ट करते हैं यफ डिस्ट्रीब्यूशन को अंडर नल हाइपोथेसिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा इनमें से पॉपुलेशन डेटा का कौन सा मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सोर्स है सेंसल सेंसस नैशनल सैंपल सर्वेज डेमोग्राफिक हेल्थ सर्विस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज सेंसस जो है वो एक ऑफिशियल सर्वे होता है जो कि हमें पॉपुलेशन डेटा की ट्रैक पर रखता है सो ऑप्शन ए सेंसस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कंट्रोलिंग ऑब्जर्विंग रेफरेंस कलेक्शन मैनिपुलेशन एंड रेप्लीकेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो प्रोसेस नीडेड नहीं है वो होती है ऑब्जर्वेशन की ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंसर वॉट आर दोज कंडीशन वेर रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट वाइबल इट इज न्यू एंड एड्स समथिंग टू नॉलेज इट कैन बी रिसर्च इट हैज यूटिलिटी एंड रिलीवेंस इट कंटेंट्स डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स अब वो कौन से कंडीशंस है जहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम वाइबल नहीं होता तो जहाँ पर वो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंटेंट करता है वहाँ पर वो वाइबल नहीं होता रिसर्च प्रॉब्लम जो कि डिफाइन किया जाता है एक स्टेटमेंट की अकॉर्डिंग जिसमें एक कंसर्न एरिया होता है साथ ही साथ एक कंडीशन होती है जो कि हमें इम्प्रूव करनी होती है और एक डिफिकल्टी होती है जिसे कि हमें एलिमिनेट करना होता है साथ ही साथ ट्रबलिंग क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं स्कॉलररी लिटरेचर में थेरी में और प्रैक्टिस पॉइंटिंग में जहां पर नीड होती है हमारी डिलीबरेट इन्वेस्टिगेशन uh, को डिलीवर करने की सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन वी एनहांस द रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव को हम किस तरह से एनहांस कर सकते हैं बाय मेकिंग इट मोर वैलिड बाई मेकिंग इट मोर रिलायबल बाय मेकिंग इट मोर इम्पार्शियल ऑल ऑफ द अबाउ तो इन सारी केसेस में हम हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिव को एनहांस करते हैं हमारा जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो कंसाइसली डिस्क्राइब होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग रिसर्च और ये एक इलुस्ट्रेट करता है हमारे कि हम क्या कर रहे हैं या फिर हम क्या करने वाले हैं या फिर हम क्या अचीव करने वाले हैं एट द एंड रिजल्ट ऑफ अवर कंप्लीसन सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट आंसर action research can be understood as dash a longitudinal research an applied research a kind of research being carried out to solve a specific problem all of the above एक्शन रिसर्च जो होता है वो अंडरस्टैंड किया जाता है अ काइंड ऑफ रिसर्च जहाँ पर कि हम कैरिड आउट करते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर रिसर्च को पर्टिकुलर प्रॉब्लम को तो इन जनरल में भी अगर हम बात करें तो एक्शन रिसर्च जो है वो टर्म किया जाता है एज ए फिलोसॉफी और रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि इम्प्लीमेंट की जाती है सोशल साइंसेस में सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट ऑन वॉट बेसिस कैन वन फार्मुलेट दी एज्पशंस एजम्पशंस कौन सी बेसिस पर फार्मूलेट करने चाहिए कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ़ द कंट्री यूनिवर्सिटीज़ सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट ऑल ऑफ द अबाउ तो हमारी कंट्री के जो कल्चरल बैकग्राउंड है उनको देख कर हमें हमारी ओजम्पन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है अब अनएक्सामिंड अगर बिलीव्स हो हमारे पास या फिर कुछ कंटेपलेट करता हो इवन हमारी कॉम्प्रीहेंडिंग पर तो उसको हमें देखना पड़ता है हमारी एजम्पन में अल्सो हमारे जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो भी बेस्ड होते हैं हमारी एजम्पन पर सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट इनमें से कौन सा रिसर्च डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंडर आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फिलोसॉफिकल रिसर्च एक्शन रिसर्च ऑल ऑफ द अबाउ तो ये सारे जो हैं वो रिसर्च डेवलपमेंट की ही कैटेगरी में आते हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ इज़ द करेक्ट आंसर वट इज़ द यूज ऑफ फैक्टोरियल एनालिसिस फैक्टोरियल एनालिसिस का क्या यूज है फॉर सेटिंग द हाइफोथिस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेरिएसि वेरिएबल्स फैक्टर फैक्टोरियल एनालिसिस जो है वहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं टू वेरिएबल्स को डिफरेंस को उनके डिफरेंस को एनालिसिस करते हैं और ये जो है वो अंडरस्टूड होती है एक स्टैटिस्टिकल मेथड जो कि वेरिएबिलिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स को डिफाइन hmm, करती हैं एंड विच इज नथिंग बट अनऑब्जर्व वेरिएबल्स होते हैं सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वॉट इज द बेस्ट सुटेड नेम फॉर अ प्रोसेस दैट डजंट नेसेसिएट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इनमें से कौन सा बेस्ट सुटेड नेम है हमारी प्रोसेस को जो कि हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को नेसेसिएट नहीं करता मैनिपुलेटिंग कंट्रोलिंग कंटेंट एनालिसिस ऑब्जर्वेशन तो करेक्ट आंसर है मैनिपुलेशन हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है जिसमें कि वेनेवर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं लाइक like की ट्रीटमेंट वेरिएबल्स uh, और फैक्टर्स उनको डिसिसिवली हम अल्टर्ड करते हैं बाय रिसर्चर और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं उस टर्म को एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन कहा जाता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेसड इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स न्यूमरिकल एप्टीट्यूड मैरिटल स्टेटस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस प्रोफेशनल एटीट्यूड इनमें से कौन सा वेरिएबल uh, है जो कि एक्सप्रेस नहीं होता क्वांटिटेटिव टर्म्स में प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है वो एक्सप्रेस नहीं होता प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है वो एक एबिलिटी है जो कि इंक्लाइन करती है आपकी समय को मैनेज करने के लिए या फिर पोल्ट्रे या फिर लीडरशिप क्वालिटी को या फिर आपको सेल्फ डिपेंडेंट या फिर परसिस्टेंट बनाती है सो प्रोफेशनल एटीट्यूड इज़

को स्टडी करने के लिए यूज की जाती है सोशोग्राम टर्म जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन जो कि पोर्ट्रे करता है सोशल लिंक्स जो कि फॉर्म की गई होती है वन पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ऑप्शन बी ह्यूमन रिलेशन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग फ्रेजेस डज नॉट करस्पॉन्ड टू द मीनिंग ऑफ रिसर्च एज अ प्रोसेस इनमें से कौन सी फ्रेज जो है जो कि हमारी uh, रिसर्च एज अ प्रोसेस की मीनिंग को करस्पॉन्ड नहीं करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रायल एंड एरर ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन सिस्टमैटिक एक्टिविटी तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि रिसर्च प्रोसेस जो है वो कॉम्प्रो कंप्राइज करती हैं क्लासिफाइंग को लोकेटिंग इवेल्यूएटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ डेटा को जो कि रिक्वायर्ड होती है सपोर्ट करने के लिए हमारी रिसर्च क्वेश्चन को और फॉलोड बाय डेवलपिंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ को सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर सो so फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी फर्स्ट सीरीज रिसर्च मेथोडोलॉजी की कंप्लीट होती है जहाँ पे हमने देखा है हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चंस, एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन और उसकी एक्सप्लेनेशन को फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी आपकी एग्जाम्स के लिए आपकी स्टडीज़ के लिए अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट छोड़ना ना भूलें साथ ही साथ मैंने कॉमर्स रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट्स पर एम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई हुई हैं जो मैंने अपलोड कर दी है मेरी चैनल पर तो अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में तब तक के लिए इस सीरीज़ को देखते रहिए शेयर करते रहिए कमेंट देते रहिए थैंक यू